सीखेंगे, चाहे वो मीटर लगाना हो, चाहे वो एमसीबी लगाना हो, चाहे वो चेंजर का संपर्क अंदर से है और बाहर का संपर्क बाहर से है। और दो से ये बॉडी अर्थ वाला देखे, एमसीबी से सप्लाई आई कि वायर को हमने 5-pin सॉकेट बार बार दबा के चला जा रहा है, बार बार दबा के चला जा रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से स्विच कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाते यहाँ पर। और छत के लिए देखे ये फैन भी लगा रखा है, चाहे तो अपने हिसाब से कर सभी पॉइंटों के, यानी और दूसरी स्विच से दूसरी सॉकेट को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट मिलते हैं, वो टोटल 3 मिलते हैं। यहां से अगर हम इसको ऊपर कर दें तो बेल स्पीकर इसके अंदर बज रहा है, जो घर से हमने अलग अलग बल्बों की वायरिंग कहां पे भी जला, यहां पे भी जला, यहां से जला। देखिए ये फैन भी हमारा चालू हो गया। देखिए सीढ़ी कनेक्शन है, स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जलेगा। चलिए आज हम लोग कंप्लीट बोर्ड बनाना सीखेंगे, चाहे वो मीटर लगाना हो, चाहे वो एमसीबी लगाना हो, चाहे वो चेंजर लगाना हो, चाहे पूरा बॉक्स लगाना हो, चाहे वो पूरा कंप्लीट बोर्ड हो कि कहां पे पाइप कौन सी लगेगी, साइज क्या होगी, वायर की साइज क्या होगी, और चाहे तो हमारा ये पूरा बोर्ड किस प्रकार से लगेगा, कहां पे हमारा सीढ़ी कनेक्शन होगा, किस प्रकार से हम तारों को जोड़ेंगे, ये कंप्लीट बोर्ड में, ये जो बोर्ड हमने देखिए रखा हुआ है यहां पर, बोर्ड हमने पूरा स्विच वगैरह के साथ बना करके रखा है, ये सारे बोर्डों को इसके अंदर लगाना है। देखिए हमने सभी बोर्ड, इसके अंदर कोई भी बोर्ड नहीं है, ये सारे बोर्ड अभी लगा करके हम सेट करने वाले, लेकिन बिल्कुल जीरो से समझने वाले। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में बात करें तो इसमें लाइट की भी वायरिंग है, जनरेटर की भी वायरिंग, यानी आप दो दो सप्लाई एक साथ चला सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर सप्लाई दे रखा है, कहां पे कौन सा वायर सही लगेगा वो भी समझने वाले। देखिए सबसे पहले यहां से हमारी सप्लाई आई हुई है, दो तार ये हमारे हैं मेन जो हम इनपुट करवाते हैं, और दो तार हमारे यहां नीचे की साइड में है। देखिए टोटल यहां पे हमने 4 तार रखे हैं ना, ये जो दोनों ऊपर वाले हैं ये हमारी लाइट की सप्लाई है, मतलब जो खंबे की लाइट है उसके लिए हमने न्यूट्रल और फेस रखा है। देखिए यहां पर रेड और ब्लैक कलर है ना, तो जो रेड है वो हमारा फेस होगा, जो ब्लैक है वो हमारा न्यूट्रल होगा। इसके अलावा ब्लू कलर से हमने दो तार हैं, और ये 4 mm के वायर है, 4 mm के, और 4 mm का वायर काफी पावरफुल है, एक घर की वायरिंग के लिए 4 mm का वायर काफी बहुत होता है, मतलब अधिक होता है। तो ये दोनों वायर है हमारे जनरेटर के, मतलब ये ऊपर से जो सप्लाई है वो लाइट की है, और नीचे की जो सप्लाई है वो जनरेटर की है। अब देखिए यहां पे नजदीक से, यहां पर देखिए जो हमारी लाइट वाली सप्लाई है, ये रेड और ब्लैक वाली, यहां से देखिए आई है, और ये दोनों के दोनों तार गए हमारे मीटर में, सब मीटर में। यहां पर देख सकते हैं एक वायरिंग का डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं यहां नजदीक से दिखाइए ये वाला डायग्राम, यहां पर देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, और इसमें देखिए S1 S2 लिखा हुआ है ना, और इधर लिखा है लोड, तो इधर से सप्लाई को इन करवाना है, उधर से आउट करवाना है। देखिए जहां पे ये हमारा फेस इस साइड में इन हुआ है तो ये लास्ट में आउट हुआ है, मतलब ये अंदर का संपर्क अंदर से है और बाहर का संपर्क बाहर से है, तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल फेस आया। आप इसमें डायग्राम बना होता है, मीटर आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए मीटर के बाद यहां से सप्लाई को आउट करवाया है हमने, एक पाइप की सहायता से इसको लेकर के आगे गए हैं, और यहां पर लगा दिया हमने, ये डीपी चेंजर है, यानी ये एमसीबी टाइप दिख रहा है ना, लेकिन ये चेंजर है। देखिए ये ऊपर भी उठता है, बीच में रुकता है, और नीचे भी आता है। अब समझिए बीच में रुकने पे सप्लाई ऑफ रहती है, ऊपर करने पे हमारी लाइट वाली सप्लाई जाएगी, नीचे करने पे हमारी जनरेटर वाली सप्लाई जाएगी, ऐसा हमने इसमें कनेक्शन कर रखा है। अगर दिखाते हैं तो देखिए ये हमारा, देखिए हमने यहाँ पे दो इंटीग्रेटर भी लगा रखा है ना, ये देखिए दो इंटीग्रेटर है, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का। ये जो ग्रीन इंटीग्रेटर है हमने इसलिए लगाया है कि लाइट है कि नहीं है पता चले, यानी अगर लाइट है तो ये ग्रीन इंटीग्रेटर जलता है, और अगर जनरेटर चालू है तो ये रेड इंटीग्रेटर जलता है, और अगर लाइट भी है और जनरेटर भी चल रहा है तो ये दोनों हमारा जलता है, मतलब ये जो मेन सप्लाई है वो इसमें भी आई है और इधर वाली मेन सप्लाई इसमें गई है। यहां पर देखिए, यहां से देखिए ये जो रेड और ब्लैक कलर का वायर दोनों हमारा दिख रहा है ना, रेड और ब्लैक कलर वाला, मतलब देखिए यहां भी रेड और ब्लैक कलर का गया हुआ है, यानी ये ग्रीन वाले इंटीग्रेटर के लिए, और जो ब्लू वाला है देखिए हमने ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का तार नीचे वाले से लाया है, ये हमारा जनरेटर वाले के लिए, मतलब जो अंदर साइड में है। यहां पर देखिए 4 और 5 नंबर जो है ये हमारा जनरेटर का होता है, 2 और 6 नंबर यहां पर जो है ये हमारा लाइट का है, मतलब जो ऊपर है उसमें सप्लाई ऊपर करने से उसकी जाती है, और जो नीचे है उसकी सप्लाई नीचे करने जाती है। यहां देखिए स्क्रू काफी अंदर है ना, तो यहां नीचे करने से ये वाली सप्लाई जाती है, तो यहां से लाइट और जनरेटर दोनों की सप्लाई आउट हुई है, और ऊपर से दोनों की सप्लाई यहां से इन हुई है, और ऊपर से यहां से आउट हो गई है। अब देखिए यहां ऊपर से जो तार आउट हुआ है वो एक ही तार हो गया, यानी यहां से तो लाइट भी आई और जनरेटर भी आया, लेकिन आउट क्या हुआ, सिर्फ न्यूट्रल और फेस।
अब देखिए न्यूट्रल फेस के अलावा अब यहां से हमने एक तार और शुरू कर दिया, ये ग्रीन कलर का वायर जब भी आपको दिखे समझ सकते हैं कि वो बॉडी अर्थ के लिए है, यानी कि वो बॉडी अर्थ के लिए किसी व्यक्ति को करंट मारने से बचाने के लिए। अगर इस तार का कनेक्शन करना हो, यहां जोड़ना हो, तो कहां जोड़ेंगे, कहीं जमीन में सीख सरिया गाड़ेंगे, कापर की प्लेट वगैरह लगा के बढ़िया से अर्थ बना के उसमें जोड़ दिया जाएगा ये ग्रीन वाला वायर। अब देखिए यहां से इस बॉक्स के अंदर टोटल तीन वायर आ रहे हैं, न्यूट्रल है, फेस है और ये अर्थ का है। न्यूट्रल, फेस और अर्थ, अर्थ को ध्यान दीजिएगा, ग्रीन कलर का वायर जहां कहीं दिखे समझिए वो अर्थ का है, यानी बॉडी अर्थ का है। और ये जो वायर है अभी जो यूज हो रहा है यहां पर 4 mm का वायर है, 4 mm का वायर है, यहां पर कहीं लिखा हुआ है तो हम आपको दिखाते हैं, दिखाइए यहां नजदीक से, देखिए यहां पर देखिए ये 4 mm लिखा हुआ है, यहां नजदीक से दिखाइए, बिल्कुल यहां पर 4 mm लिखा हुआ है, देखिए 4 mm 4.0 SQ mm, यानी कि 4 mm का ये वायर हमने मेन यूज कर रखा है। और इसके बाद देखिए ये हमारा आ गया अब MCB बॉक्स में जो वायर आया हुआ है, वो वायर देखिए यहां से आया हुआ है सिर्फ तीन, यानी न्यूट्रल, फेस और अर्थ को। अगर बॉक्स को हम खोलें तो यहां पर देखिए ऐसा दिख रहा है, इतनी सारी एमसीबी है। हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को आपको खोल करके दिखाते हैं कि इसके अंदर का तार हमें किस प्रकार से जोड़ना होता है। देखिए एमसीबी बॉक्स को खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए यहां से एमसीबी बॉक्स के नटों को हमने खोल लिया, और अब इस बॉक्स को अगर हम ऊपर की साइड से सिर्फ निकालें तो आपको सबसे पहले ऊपर भी हम दिखा देते हैं, ये क्या देखिए ग्रीन कलर का वायर, अगर ये ग्रीन है तो किस लिए है, है बॉडी अर्थ के लिए। यहां पर हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं, बॉक्स को हमने निकाल दिया। देखिए जब ये बॉक्स आप खरीदेंगे ना एमसीबी बॉक्स, तो ये जो स्टिकर लिखा हुआ है ना, लगा हुआ है, ये आपको अलग से मिलेगा, यानी इस पे हम लिख सकते हैं, ये लिखने के लिए होता है कि ये वाली एमसीबी किस लिए, ये वाली किसके लिए। जैसे इसमें लिखते हैं कि ऊपर हाल, नीचे हाल, जनरेटर, लाइट, फलाना डिमका, जो भी लिखना होता है इसमें हम लिखते हैं। और देखिए अब हम इसके एमसीबीओ को दिखाते हैं, इसके वायरों को समझिए। सबसे पहले सिर्फ दो वायरों पर ध्यान दीजिएगा, यहां से तीन वायर इंटर किए हैं, तीन वायर जो आए हुए हैं, देखिए मेन तीनों वायर देखिए यहां पर है। इसके अंदर तारों को देखिए सुरक्षित तरीके से सजाया हुआ है फिलहाल। अगर इसको हम बाहर निकाल दें तो देखिए ये हमारे जो तार हैं सभी को हम बाहर खींच करके थोड़ा सा निकाल देते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा मेन वायर है ये ग्रीन कलर का वायर है, बॉडी अर्थ का होगा। यहां से देखिए ग्रीन कलर का वायर आया और ये साइड में है एक जंक्शन पॉइंट, ये देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्रूप लगे हुए हैं ना, ये जो जंक्शन पॉइंट का मतलब ये हुआ ग्रीन कलर का वायर आया और एक में जोड़ दिया गया और ये सारे के सारे एक ही है, मतलब एक में सप्लाई देना है, अब सब जगह से लेके जाइए। तो इसमें देखिए टोटल तीन ही तार जुड़े हैं, मतलब एक में आया है और दो से ये बॉडी अर्थ वाला देखिए यहां से होकर के अंदर चला गया है, यहां से नीचे गया बाकी के रूम की वायरिंगों के लिए। तो ग्रीन कलर का तो मैटर यही खत्म हो गया, ये किसी एमसीबी वगैरह से किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ यहां अर्थ वाले पोजिशन पे आया, अर्थ वाले जंक्शन पे आया और पूरे घर में फिर चला गया। अब देखिए अर्थ को छोड़िए, अब ये हमारी दो सप्लाई है, न्यूट्रल और फेस, मेन वाला जो 4 mm का वायर है, न्यूट्रल और फेस। यहां पर देखिए कहां जुड़ा हुआ है ये दोनों तार आकर के, देखिए यहां से आकर के ये मेन एमसीबी में जुड़ा हुआ है, यहां पर देख रहे हैं ना, ये आइसोलेटर है, सिर्फ एमसीबी नहीं है, ये सिर्फ कट करने के लिए लगाया गया है, मतलब ऐसे ही सीधे नीचे जब करेंगे ना ये ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, पूरी सप्लाई कट हो जाएगी। देखिए ये है 40 एम्पियर का, पूरी सप्लाई कट होने का मतलब ये हुआ कि लाइट आगे नहीं जाएगी और बिंदास तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तार को छू सकते हैं। इसको हम कट करने के बाद इसको हमने ऊपर उठाया, अब यहां से सप्लाई आउट होगी और बाकी के एमसीबीओ तक जाएगी। तो सबसे पहले ये जो आइसोलेटर लगा है, देखिए मेन सप्लाई जो है, देखिए यहां से आकर के एमसीबी के निचले पॉइंट से इन करवाया गया है। देखिए कुछ लोग कहते हैं ऊपर से इन करवाएं, नीचे से आउट करवाएं, तो आप किसी भी तरफ से करवा सकते हैं, बाकी इसमें लाइट और लोड लिखा होता है, जैसा लिखा उसी हिसाब से करवाइए। लाइट में इन करवाना है और लोड वाले से आउट करवाना है। तो यहां पर नीचे की साइड में देखिए मेन सप्लाई को इन करवा लिया गया, उसके बाद ये ऊपर की सप्लाई देखिए यहां से जब आउट हुआ है, तो ये दो तार आउट हुए हैं ना, और ये ब्लैक वाला तार है, देखिए ये ब्लैक वाला जो तार है ये न्यूट्रल का है, ये न्यूट्रल देखिए साइड में यहां पे ब्लैक वाला यहां से इन हुआ था एक साइड से और इस एमसीबी से होते हुए यहां तक जाएगा, और यहां से ये न्यूट्रल वाला पॉइंट, ये ऊपर एक और जंक्शन देख पा रहे होंगे, ये जो जंक्शन है ये न्यूट्रल का जंक्शन है। देखिए यहां पर ये जो जंक्शन है ये न्यूट्रल का जंक्शन है, देखिए इस प्रकार से ये पूरा है ना, ये न्यूट्रल का तार ले जाके इसी जंक्शन में एक जगह जोड़ दिया गया और उसके बाद यहीं से कई थे ब्लैक कलर का तार अलग अलग जगहों पे लेके गए हैं। देखिए ये ब्लैक कलर का पूरा लीड अगर निकाल दे हम तो ये देखिए 4-5 जितने भी संख्या में ये ब्लैक कलर के वायर है सभी इसी जंक्शन में जोड़ दिया गया, मतलब
यहां से न्यूट्रल आउट करवाया गया और जंक्शन में जोड़ दिया गया और जंक्शन से सभी घरों में न्यूट्रल जा रहा है इस ब्लैक वायर के माध्यम से, यानी ब्लैक वायर जहां भी गया हो वो भी किसी एमसीबी वगैरह से होकर के नहीं जा रहा है, केवल ये मेन आइसोलेटर से होके जा रहा है, बाकी कहीं से होके नहीं जा रहा है। तो न्यूट्रल देखिए आउट हुआ और जंक्शन में न्यूट्रल वाले जंक्शन में जोड़ दिया गया और चला गया। अब इसके अलावा देखिए यहां फेस भी आउट हुआ है ना, इसी के जस्ट बगल में फेस यहां से आउट हुआ है और ये फेस वाली सप्लाई देखिए जोड़ा कहां गया, यहां नीचे के साइड में एक एमसीबी के नीचे साइड में यहां पे जोड़ा गया है। इसको दिखाते हैं आपको, देखिए इसके अंदर होता क्या है, ये पत्ती होती है, इसको हम प्लास्टिक का है, ये ऊपर से कवर के रूप में लगा होता है, इसके अंदर देखेंगे तो एक पत्ती होती है। अगर हम इसको निकालें ना तो दो तीन, अगर हम खोलेंगे तो देखेंगे कि ये पत्ती को हम निकाल सकते हैं। देखिए ये पत्ती होती है, एमसीबियों को ढीला करके जैसे वो जंक्शन पॉइंट है ना उसी तरह से ये भी लगी है। देखिए ये पत्ती नीचे हो रही है ना, यहां पे नजदीक से दिखाइए, ये देखिए ये पत्ती नीचे हो रही है ना, तो इसी तरह से पत्ती है और पत्ती के माध्यम से हुआ ये है, इसमें इसको हम टाइट कर देते हैं, हुआ ये है कि जो फेस की सप्लाई है जब एक में इन करवाया गया तो ये सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, मतलब फेस की सप्लाई सभी एमसीबी के निचले वाले पॉइंट में डायरेक्ट दे दिया गया है, यानी फेस का जो वायर है वो सभी एमसीबी के निचले पॉइंट में गया है। अब ऊपर वाले पॉइंट से ले जा करके अलग अलग रूम के लिए यहां से फेस गया हुआ है, तो इसके अंदर देखिए एक दो तीन चार, टोटल चार एमसीबी का प्रयोग किया गया है, बाकी की एमसीबी इसमें अभी खाली है। तो देखिए एक दो तीन चार, चार एमसीबी को जोड़ा गया, कितने कितने एम्पियर के एमसीबी लगानी चाहिए अगर बात करें तो ये देखिए मेन 40 एम्पियर का है, यहां पर 32 एम्पियर, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर, फिर 32 एम्पियर, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। अब समझिए 32 एम्पियर के एमसीबी हमें ऐसी जगह पे लेके जानी चाहिए, अगर यानी कहीं एसी वगैरह चल रही हो तो हम यहां से तार लेके जाते हैं 32 एम्पियर से, 16 एम्पियर से अगर ले जाना तो हम हमारा कोई टुल्लू पंप मोटर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इन सब जगहों पे हम 16 एम्पियर से लेकर के जाते हैं, और 6 एम्पियर से हम वहां लेके जाते हैं जहां पे केवल बल्ब हो, फैन हो, उसके अंदर कोई हीटर नहीं होना चाहिए, गीजर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है नॉर्मली घर में टीवी वगैरह हो तो भी कोई बात नहीं है, तो हम 6 एम्पियर की वायरिंग करते हैं। इस तरह से अलग अलग एम्पियर के एमसीबी लगा करके और घरों में लेके जाते हैं। अब देखिए यहां से अब ये जो सप्लाई आउट हुई है ये हमारा फेस है, ये जो हमारा जंक्शन से आया हुआ है ये हमारा न्यूट्रल है, दो हो गया। एक तार यहां पर देखिए व्हाइट कलर में और बढ़ा लिया गया है, ये व्हाइट कलर है इन्वर्टर का, अगर इन्वर्टर हमें यही लगाना होता ना तो हम ये व्हाइट कलर का वायर लगाते, लेकिन यही नहीं लगाना है, हमने दोनों को भाई एक ही में जोड़ करके इसको छोड़ा हुआ है। ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ, ब्लैक कलर का न्यूट्रल, रेड कलर का फेस और व्हाइट कलर का इन्वर्टर, ये हमारे वायर हो गए और अब यहां से वायर हमारे जा रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो हमने पाइप आउट करवाया है ना, अभी यहां पे दो पाइप लगाया हुआ है, अब ये दो पाइप क्यों लगी समझिए, जो मेन वायर है पहली बात तो मेन है ये, एमसीबी से हर घर के लिए लाइट यहीं जाएगी। देखिए एक पाइप हमने ऐसे नीचे ले जा करके ऐसा लगा रखा है कि ये इस वाले एक रूम के लिए हमारे कवर करेगा, और ये जो दूसरी पाइप है यहां से देखिए हम सीधे लेके गए दूसरे वाले रूम के लिए, तो अलग अलग रूमों के लिए हमें लेके जाने की जरूरत पड़ती है। तो ब्लैक, रेड, व्हाइट, ग्रीन, चार वायर अब यहां से आउट हो रहे हैं। अब देखिए पहले हम एक रूम की बात कर लेते हैं, यहां से एक रूम आया, यहां से एमसीबी से सप्लाई आई और यहां पर देखिए आ गया वायर, कितने वायर है दिखाते हैं यहां से नजदीक से, आइए दिखाइए, देखिए इसके अंदर एक तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा है और ये चौथा है, टोटल चार वायर है ना, तो जो ब्लैक है ये न्यूट्रल हो गया, व्हाइट वाला हमारा इन्वर्टर हो गया, ग्रीन वाला बॉडी अर्थ का हो गया और रेड वाला हमारा मेन हो गया फेस का। और हाँ, जो एमसीबी से लेकर के बोर्ड तक जो वायर आया है अब हम इसको कर लिए 2.5 mm का, यानी सबसे पहले हमने यहां 4 mm का वायर यूज किया एमसीबी बॉक्स वगैरह में, अब यहां से जब हम आउट करवाए हैं इससे तो यहां वायर की साइज को हमने घटाया और वायर लगा लिया यहां पर हमने 2.5 mm यानी 2.5 mm। यहां से देखते हैं ये एक तार निकल गया, इसको हमें फिर से जोड़ देते हैं इसी में, और एमसीबी से निकल गया हुआ तार है, इसको हम जोड़ देते हैं यहां पर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। तो देखिए इस बोर्ड में जो वायर आए हुए हैं यहां पर देख सकते हैं टोटल एक दो तीन चार वायर आए हुए हैं, जिसमें हमारा ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल का हो गया, व्हाइट इन्वर्टर का हो गया, ये मोटा वाला रेड हमारा फेस का हो गया और ग्रीन वाला हो गया हमारा बॉडी अर्थ के लिए। तो इस बोर्ड को हमें जोड़ना है, इस बोर्ड को जोड़ने के लिए देखिए इसमें क्या क्या, एक दो तीन चार पांच, ये टोटल 5 स्विच यहां, 2 स्विच नीचे, टोटल 7 स्विचे हैं, एक इंडिकेटर है और 2 5-pin सॉकेट है,
एक इंडिकेटर, दो 5-pin सॉकेट। तो अगर बोर्ड के अंदर 5-pin सॉकेट है तो ग्रीन वाला वायर उसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए यहां पर ग्रीन कलर का जो वायर है 5-pin सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में, देखिए 5-pin जो सॉकेट होती है, ये जो ऊपर का पॉइंट होता है, पोजीशन होता है, ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, जो कि किसी व्यक्ति को करंट मारने से बचाने के लिए होता है। तो ये ग्रीन कलर का वायर बॉडी अर्थ में जोड़ लेते हैं। इसके लिए हमें, हमारे पास दो 5-pin सॉकेट है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें एक और तार ग्रीन कलर का जोड़ लेते हैं, ताकि दो तार अगर हम जोड़ लेंगे तो दोनों 5-pin सॉकेट में हम लेकर के चले जाएंगे आसानी से। तो यहां से देखिए एक 5-pin सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में इसको पहले हम ये बॉडी अर्थ वाले को जोड़ लेते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर के वायर को हमने यहां पर 5-pin सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस बोर्ड में जितने स्विचे हैं, देखिए सभी स्विचों का निचला पॉइंट हमने पहले से ही डायरेक्ट जोड़ दिया है। देखिए यहां पर हमारे वायरिंग का नियम होता है कि स्विचों का, देखिए दो स्विच यहां है ना, ये तार अभी अलग है, एक स्विच है, दूसरी स्विच है, देखिए ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है। इसके बाद ये ब्लैक कलर का वायर यहां पर था हमारे पास, तो हमने ब्लैक को ही लगा दिया और यहां से सभी स्विचों के निचले पॉइंट में गया और यहीं से एक तार को हमने इंडिकेटर में भी जोड़ दिया। मतलब अगर हम फेस के वायर को यहां पर किसी भी स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दे तो ये सभी स्विचे निचले पॉइंट में आपस में डायरेक्ट कनेक्ट है, तो हम कहीं पर भी इसको जोड़ सकते हैं और सभी स्विचों में फेस डायरेक्ट पहुंच जाएगा और यहां तक कि इंटीग्रेटर के अंदर भी फेस पहुंच जाएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए हमारे बोर्ड के अंदर ये हमारा मेन जो फेस वाला वायर था, मेन वाला देखिए मोटा वाला तार है जो 2.5 mm का वायर है, इसको हमें जोड़ना है। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं स्विच के निचले पॉइंट में और किसी भी स्विच के निचले पॉइंट में हम जोड़ सकते हैं। और हां यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस फेस के वायर को उन स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ा जाएगा जिन स्विचों से चलने वाले उपकरण को सिर्फ लाइट से चलाना होगा, वो इन्वर्टर से नहीं चलेगा। अगर कुछ उपकरणों को इन्वर्टर से भी चलाना चाहते हैं तो उन स्विचों के निचले पॉइंट में ये व्हाइट वाला तार जोड़ना होगा। तो यहां पर हम इन्वर्टर से अभी कुछ भी नहीं चलाने वाले, सब कुछ लाइट से चलाने वाले। अगर इन्वर्टर से चलाना चाहेंगे तो बस नॉर्मल जहां पर हमने ये फेस वाले मेन को जोड़ा है वहां पर ये इन्वर्टर वाले तार को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा हो गया। और फेस के तार को देखिए एक स्विच के निचले पॉइंट में हमने यहां पर जोड़ दिया, तो ये कंप्लीट हो गया, यानी अर्थ को हमने यहां 5-pin सॉकेट के ऊपर जोड़ दिया और फेस के वायर को एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा है और सभी स्विचे आपस में एक दूसरे में निचला पॉइंट कनेक्ट है, तो सभी स्विचों में पहुंच गया, यहां तक कि इस इंटीग्रेटर में भी पहुंच गया। देखिए ये इंटीग्रेटर है, इसमें भी पहुंच गया। अब हम इसमें न्यूट्रल की बात करते हैं। ये हमारे पास है न्यूट्रल, देखिए मेन लीड है ना, ये न्यूट्रल यहां पर देख सकते हैं, न्यूट्रल आपको कई दिखाई दे रहा है, तो जो एक साइड से हमारे एमसीबी से आया हुआ है न्यूट्रल एक ही है, लेकिन यहां पर जोड़ बना के एक तार को ऊपर लेके गए हैं, एक तार को दाहिने लेके गए और एक थे आया और एक थे यहां नीचे, तो इसलिए ये टोटल कुल मिलाकर के देखिए 1, 2, 3 और ये मेन जो है ये 4 के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे कहां, देखिए इस बोर्ड के अंदर दो थे तो 5-pin सॉकेट है, तो 5-pin सॉकेट के एक एक पॉइंट में जाएगा और उसके अलावा इस बोर्ड के अंदर इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में भी जाएगा। तो न्यूट्रल के वायर को देखिए, इसके लिए हमें एक थे अलग से छोटा सा तार ले लेते हैं और इसी वाले वायर में इसको हम क्या करें, जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसी 5-pin सॉकेट में इसको हम लगा देते हैं साइड में। तो यहां पर देखिए न्यूट्रल के वायर को हमने एक पॉइंट में जोड़ दिया 5-pin सॉकेट का और दूसरे में भी जोड़ देते हैं और दूसरे में जोड़ने से पहले इंटीग्रेटर वाले तार को भी ले लेते हैं उसी में और उसी के साथ उसमें भी जोड़ देंगे, ताकि इंटीग्रेटर को न्यूट्रल फिर कहीं और से नहीं देना पड़ेगा। तो यहीं से हम इसमें भी न्यूट्रल पहुंच जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेटर का एक वायर हमारा स्विच में गया हुआ है जिसमें फेस मिलेगा और दूसरे तार को हमने यहां न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर दे रहे हैं और 5-pin सॉकेट में ही इसको लगा करके साइड वाले में इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए न्यूट्रल के वायर को हमने 5-pin सॉकेट के साइड में जोड़ दिया और वही न्यूट्रल को ले जाकर के हमने इस 5-pin सॉकेट में भी जोड़ दिया और वही वाला न्यूट्रल हमारे इंटीग्रेटर तक भी पहुंच गया। तो न्यूट्रल हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनमें वायरों की संख्या, देखिए व्हाइट वाले से मतलब नहीं है, इन्वर्टर का वायर हमने इन्वर्टर से अभी कुछ नहीं चलाना, आगे के बोर्डों में हम चलाएंगे, इसमें अभी खाली छोड़ देते हैं। इसके अलावा देखिए ये टोटल वायर इतने यहां पर भी है, 1 है 2 है 3 है 4 है और ये 5 है। ये पांचों वायर आए कहां से है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये पांचों के पांचों वायर कहां से आए, देखिए इसके अंदर यहां पे बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब हुआ, ये दूसरा बल्ब हुआ और ये तीसरा बल्ब हुआ और ये चौथा बल्ब हुआ, तो बल्ब तो टोटल 4 है, फिर 5 वायर कहां से आए। तो देखिए इसके अंदर हमने एक बेल स्पीकर लगा के रखा ये वाला, और ये जो बेल स्पीकर है ये इससे नहीं बजेगा, उस स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर हम एक बोर्ड लगाने वाले हैं, लेकिन ये जो बोर्ड लगेगा इसकी वायरिंग हमारी कुछ ऐसी होगी कि अगर घर के अंदर हमें एक मेन स्विच लगानी होगी,
इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो इस स्विच तक लाइट पहुंचेगी और जब इसको ऑन किया जाएगा तब वो स्पीकर बजेगा। मतलब ये हुआ कि घर के अंदर हमारा मेन बोर्ड में एक स्विच हम ऐसे भी लगाएंगे, मास्टर स्विच जिसको बोल सकते हैं। उस स्विच का काम ये होगा कि अगर कोई मान लीजिए कहीं घर के बाहर आप बेल के साथ वायरिंग कर दिए, कोई आ रहा है बार बार दबा के चला जा रहा है, बार बार दबा के चला जा रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से स्विच को बंद करेंगे, अब ये दबाए वो सब काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई बार बार दबा के नहीं जा रहा है, फिर आप सोच रहे हैं चलो रात में 10 बजे के बाद अगर कोई हमारे घर में आता है तो हम एंट्री नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक स्विच को बंद करेंगे और उसके बाद ये बेल स्पीकर हमारा काम करना बंद कर देगा। तो उसके लिए हमारे पास एक तार यहां पर अधिक है, उससे पहले दिखाते हैं। यह एक अलग रूम है, फाइनल समझिए, और यहां पर यह हमारा देखिए सभी बल्बों को हमने जोड़ा है, नजदीक से दिखाइए थोड़ा सा नजदीक से। तो यहां पर देखिए न्यूट्रल और फेस सभी में तार रहेंगे तभी तो काम करेगा। तो ये देखिए न्यूट्रल और फेस यहां से गए हुए हैं, यहां पर देखिए ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल इधर भी गया है, इधर भी गया है न्यूट्रल। देखिए ये ब्लैक जितने भी हैं, एक ब्लैक यहां से निकला उसी में जुड़ा, उसी में से वो भी निकला, उसी में से वो भी निकला, उसी में से ये भी निकला है, और यहां पर जो फाइनल आया है वो एक ही तार आया हुआ है, यानी ये ब्लैक वाला जो वायर आया है एक ही आया है। मतलब ये सभी का न्यूट्रल एक है और सभी का कंप्लीट न्यूट्रल यहां पर एक आया हुआ है। तो एक तार तो पहले क्लियर कर लीजिए कि न्यूट्रल यहां से गया है और सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। इस बोर्ड के अंदर यहां इंटीग्रेटर वगैरह भी लगेगा, देखिए तीन तार आया हुआ है ना, इंटीग्रेटर भी लगेगा। आपको दिखाते हैं यहां पर जो बोर्ड लगने वाला हमारा बेल वाला, ये देखिए बेल वाला हमारा बोर्ड लगेगा, ये बेल स्पीकर है ना, इस बोर्ड को यहां पर लगाना है और इस बोर्ड के अंदर हमने एक इंटीग्रेटर भी दे रखा है। इंटीग्रेटर इसलिए लगाना जरूरी होता है कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है, पहली बात तो उसको गेट के बगल में ये स्विच लगी होती है, आधे जगहों पे तो ये स्विच मिलती नहीं है जल्दी से कि है कहां। दूसरी चीज, अगर स्विच है तो पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमने इंटीग्रेटर लगा दिया संकेत के लिए कि अगर इंटीग्रेटर जल रहा हो तो संकेत करेगा कि स्विच यहां पे है। दूसरी बात, अगर इंटीग्रेटर जल रहा है तो यह भी संकेत करेगा कि पावर है इसमें। अगर कहीं पर ऐसा बेल लगा हुआ है इंटीग्रेटर नहीं जल रहा और ऐसे स्विच लगी है तो लोग जानेंगे, दबाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। तो अगर इस बोर्ड को हमें लगाना हो तो अभी हम यहां पर लगाते हैं, उससे पहले हम इस वाले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। इस वाले बोर्ड को क्लियर करने के लिए अब ये हमारे जो ऊपर वाले वायर हैं देखिए पांचों, इन्हीं का फर्क है, इन्हीं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इन वायरों को हमें यहां से क्लियर करना होगा कि किस स्विच से हम किसको चलाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से सभी वायरों को हम यहां पर जोड़ देंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमारा ये जो स्विच वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर देखेंगे कि कौन सा तार है। देखिए यहां से हम तार को पकड़ेंगे ऐसे, देखिए ये वाला हमारा वायर है और ये तार देखिए हमारा गया सीधा स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए वहां पे गया हुआ है। तार को थोड़ा सा और दूर दिखाइए, देखिए यहां से स्पीकर के लिए, देखिए वहां स्पीकर का भी तार हिल रहा है ना, इसका ये मतलब हुआ ये वाला तार स्पीकर के लिए, मतलब ये जो कनेक्शन होगा यहां पर जोड़ ही देते, ये कनेक्शन होगा ये जो स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट में, मतलब यहां से स्विच को दबाएंगे तो ऊपर वाला पॉइंट स्पीकर में जाएगा ना, स्पीकर में न्यूट्रल मिला ही है और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसको जोड़ना है। तो इसको देखिए हम ऊपर वाले पॉइंट में ऐसे जोड़ देते हैं, ये स्विच हमारी है, इसके ऊपर वाले पॉइंट में हमें इसको जोड़ देना है, यहां से ऊपर वाले पॉइंट में इसको जोड़ना है। तो देखिए यहां से हमने ऊपर वाले पॉइंट में इसको जोड़ देते हैं, एक तार हमारा यहां पर भी क्लियर हो गया। ये जो न्यूट्रल की सप्लाई है यहां पर, ये इंटीग्रेटर नहीं होता तो न्यूट्रल लाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इंटीग्रेटर उपकरण है, बिना न्यूट्रल के जलेगा नहीं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको तार को देखिए यहां पे लगा देंगे और लगाने के बाद अच्छे तरीके से आप टेप वगैरह लगा करके इसको बढ़िया तरीके से टेपेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहां पर लगा दिया और ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, इससे हमें यह पता चलता है। अब कैसे, देखिए यहां पर अगर इसको मिलाएंगे, देखिए यहां पर स्विच का ऊपर वाला पॉइंट यहां से देखिए ये वाला है यहां से देख सकते हैं ऐसे पकड़ के, और इसके अलावा यहां नीचे भी अगर हम उठाए ना तो देखिए ये कौन सा तार उठ रहा है, देखिए ये वाला तार है यहां पर, देखिए ये इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए ये वाला, अगर इसको हमने देखिए यहां से ऐसे छोड़ दिया, ऐसे हम देखिए खींच रहे हैं, यहां से देखिए हम खींच रहे हैं तो ये खिंचा रहा है, मतलब ये वाला तार है हमारा, ये यहां से आया हुआ है। इसको हमें लगाना कहां है, स्विच के बचे हुए एक एक पॉइंट में, यानी ऊपर वाले पॉइंट में। जैसे ये हमारा बोर्ड है, हम चाहते हैं कि ये पहले वाले स्विच ही हमारा मेन पावर का काम करे, तो पहले वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमने इसको जोड़ देना है। देखिए पहली वाली ये जो हमारा वायर है, ये हमारे इस वाले बोर्ड में जो हमारा बेल वाला बोर्ड है उसमें गया है, तो पहले स्विच को अगर हमें इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है तो हम इसको लगा करके कनेक्ट कर देते हैं एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। तो एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमने इसको जोड़ दिया। अब ये जो बाकी के वायर है,
इसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे बारी बारी से कि किस स्विच से हमें किस बल्ब को जलाना है। जिस स्विच से जलाने का मन करे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब खाली है ना, तो सभी को हम क्या करेंगे, एक एक से जोड़ देंगे। यानी तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए सभी को एक एक से जोड़ दे रहे हैं। तो एक स्विच हमारी ये भी खाली है, एक एक स्विचों को एक एक उपकरणों से डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो देखिए एक स्विच को हमने जोड़ दिया, ये दूसरी को भी जोड़ देते, दूसरी को भी हमने जोड़ दिया, तीसरी को भी जोड़ देते हैं, तो तीसरी को भी हमने जोड़ दिया, चौथी को भी, और ये पांचवा, ये लास्ट वायर हमारा है, इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो देखिए सभी स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट को, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हमने इसको डायरेक्ट पहुंचा दिया। ये बोर्ड हमारा क्लियर हो गया, इन्वर्टर की वायरिंग इसमें नहीं हुई है। अब समझिए ये जो बेल वाली हमारी स्विच है, देखिए ये देखिए अगर हम इस तार को खींच रहे हैं तो देखिए ये बोर्ड ऊपर उठ रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि यहां से स्विच का ऊपर वाला पॉइंट, यानी इस स्विच को ऑन करेंगे तो फेस यहां तक आएगा, तो ये फेस है, तो इस फेस को हमें कहां जोड़ना है, ये जो हमारी बेल स्विच है इस स्विच के निचले वाले पॉइंट में जोड़ देना, यानी जो निचला पोजीशन होगा उसमें जोड़ देना, ताकि जब हम स्विच को ऑन करेंगे ना तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं। देखिए स्विच का कार्य बस यही होता है कि जब हम इसको नीचे की साइड में प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करते हैं तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाता है, तो यहां से हम स्विच को ऑन करेंगे फेस यहां निचले पॉइंट में आएगा, और जब इसको ऑन करेंगे ये दोनों टच होगा तो फेस निकल के जाएगा स्पीकर तक, तब जाकर के हमारा ये जो स्विच है वो काम करेगी, तब जाकर के हमारा स्पीकर बजेगा। और हां इसमें हमें फेस देना, ये इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर को फेस देना है, तो जो स्विच का निचला वाला पोजीशन है, जो निचला वाला पॉइंट है, उसी में इसको भी हमें जोड़ देना, स्विच के निचले पॉइंट में, तो उसी में हम इसको भी जोड़ देते हैं। ये स्विच है, ये रेड वाले जो दोनों वायर है, ये ऊपर का नीचे टच हो चाहे नीचे वाला ऊपर टच हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इंडिकेटर है वो जो फेस आ रहा है उसी में जुड़ना चाहिए। अगर ये इंडिकेटर दूसरे में जुड़ गया तो ये होगा कि जब स्विच दबाएंगे तब जाके इंडिकेटर जलेगा, स्विच नहीं दबाएंगे तो इंडिकेटर नहीं जलेगा। अब देखिए ये सारे बल्बों का कनेक्शन हमारा हो गया, यहां पर हमने देखिए एक लगा रखा है, ये जो हमने लगाया है ना ये हमारा वायरलेस स्पीकर, वायरलेस बेल है, देखिए देखिए इसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो यहां से वायरलेस है, मतलब इसके इसके अंदर तो किसी भी प्रकार का वायर की कोई बात नहीं है। यानी जो बेल स्पीकर होते हैं हमारे वो लाइट से चलने वाले भी होते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। वायरलेस का मतलब कोई भी तार नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है यार, ये सिर्फ अलग है, यानी ये जो स्पीकर है देखिए ऐसे अलग है, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, कोई भी तार वगैरह इसमें नहीं लगता है, तो वायरलेस स्पीकर का भी आज के टाइम में प्रयोग किया जा रहा है। ये जो वायरलेस स्पीकर होते हैं इसको लगाना इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान होता है, ईजी होता है, खाली इसको भी कहीं चिपका दीजिए और इसको कहीं प्रकार से टू वे टेप लगा करके इसको चिपका दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा बोर्ड है ये नॉर्मल वायरिंग हो गई, देखिए सभी में न्यूट्रल फेस आया है, नॉर्मल वायरिंग हो गई। और हां जो वायर इनपुट है जो मेन है वो 2.5 mm का है, और जितने भी स्विचों से निकले हुए पॉइंट है वो सब 1 mm के हैं, 1 mm का वायर यूज किया गया है, तो यही वायरिंग में यूज भी करना है। इसके अलावा ये जो पाइप है, पाइप अगर मेन हो तो देख सकते हैं ये 25 mm की पाइप है, नजदीक से दिखाएगा, ये जो पाइप होती है इसकी भी साइज है कि अगर इसके अंदर से ज्यादा तारों की संख्या जा रही है तो देखिए यहां पर 25 mm का यूज किया गया है, और कुछ जगहों पर 20 mm की पाइप का भी यूज किया गया है जहां पर कम यूज करना है। उसके अलावा अब देखिए यहां से हमारी दूसरी पाइप निकली हुई है, और ये दूसरी पाइप देखिए इस रास्ते से जा रही है, यहां से जा रही है, और दूसरी पाइप यहां से निकली हमारे इस दूसरे बोर्ड में। अब ये जो दूसरा बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है ये पूरे हमारे इस सेक्शन को चलाएगा, ये समझिए हमने छत का सेक्शन बना रखा है, यानी छत में जो लाइट लगाते हैं यहां पर, और छत के लिए देखिए ये फैन भी लगा रखा है, यहां पर बल्ब लगा रखा है, यहां पर भी बल्ब लगा रखा है, यहां पे बल्ब रखा है, और यहां पर एक पावर बोर्ड देना है जिसमें इन्वर्टर, गीजर, आर ओ या जो भी मर्जी करे वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन बोर्ड को यहां पर लगाते हैं, मेन बोर्ड को लगाने के लिए हमने ले लिया ये बोर्ड, ये जो बोर्ड है इसके अंदर देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्विच लगी है, एक फैन रेगुलेटर लगा है और एक इंडिकेटर लगा है। और सबसे पहले आपको दिखा दें इसके अंदर, तो ये दो इसके अंदर इंडिकेटर के जो दोनों वायर है उसमें न्यूट्रल फेस पहुंचता है तभी तो काम करता है। तो ये एक तार में देखिए फेस की सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ दिया गया, देखिए 1, 2, 3, 4 ये जो चारों स्विचे हैं इसके निचले पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, मतलब ये चारों एक कर दिया गया है, और इधर की जो दो स्विचे हैं इन दोनों को एक कर दिया गया है। इन दोनों को एक करने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि हम इन चारों से चलने वाले उपकरण को सिर्फ लाइट से चलाना चाहें, और इन दोनों को हम लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलाना चाहते हैं, या फिर इसको हम दोनों से चलाना चाहें, इसको सिर्फ लाइट से चलाना चाहें, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो
यहां पर देखिए हमने एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को फैन के रेगुलेटर में भी जोड़ दिया, यानी अब यहां से जो बचा ये हमारा जाएगा फैन में, यानी सीधा समझ लीजिए ये फैन के लिए फेस जाएगा, और इसके अंदर न्यूट्रल और जोड़ दिया जाए तो इंडिकेटर की भी वायरिंग हो जाएगी। देखिए तो देखिए इसके अंदर वायरों की संख्या को एक बार समझते हैं। देखिए एक लीड हमने यहां अलग से बना करके रख दिया है, और इसके अंदर जो तार है वो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वायर यहां पर है। तो ये 5 वायर किसके हैं जानते हैं, ये 5 उपकरणों के, किसके किसके, यहां पर 1, ये हमारा फैन है 2, ये हमारा बल्ब है 3, यहां पे बल्ब है 4 और ये वाला बल्ब है 5। तो टोटल 5 है ना, ये पांचों उपकरणों का फेस है और पांचों के लिए न्यूट्रल अकेला काफी है। एक तार ये आया हुआ है न्यूट्रल ना, ये इधर से आया और इधर से अंदर गया और सभी में न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच रहे। देखिए देखिए यहां पर एक बार नजदीक से दिखाइए, यहां पर देखिए सभी तारों को एक जगह जोड़ दिया गया। देखिए इधर से भी लाया गया, इस पाइप से भी लाया, इधर से पाइप से लाया, इसी पाइप से लाया, इधर से लाया, सभी पाइपों से ला करके और एक जोड़ दिया गया है। तो इससे क्या हुआ, अब ये न्यूट्रल हमारा एक में न्यूट्रल देंगे, सभी को न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अब देखिए सभी को न्यूट्रल पहुंच जाएगा और यहां से आ गया इस बोर्ड के लिए भी हमारा, तो बोर्ड के लिए हम यहां से न्यूट्रल दे देते हैं। तो न्यूट्रल देना कहां है हमें, देखिए न्यूट्रल देना है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें इंडिकेटर में न्यूट्रल देना है, बस इंडिकेटर ही है और इसमें न्यूट्रल देने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई 5-पिन सॉकेट वगैरह तो है नहीं, तो हम न्यूट्रल केवल यहीं जोड़ेंगे, केवल इंडिकेटर के एक पॉइंट में न्यूट्रल जोड़ेंगे और इस तरह से लगा करके इसको जोड़ के टेप वगैरह लगा के बढ़िया से टेपेट कर देंगे। तो न्यूट्रल हमने जोड़ दिया। अब फेस की बात है, ये मेन लीड थी, फेस हमारा देखिए वायरों की साइजों में देखेंगे ना, ये जो पॉइंट वाले वायर है ये 1 mm के हैं और ये जो मेन वायर है ये 2.5 mm का है। इस बोर्ड के अंदर कोई 5-pin सॉकेट वगैरह है नहीं कि ग्रीन का यूज किया जाए, ग्रीन वायर बॉडी अर्थ का होता है, 5-pin सॉकेट में यूज किया जाता है, यहां 5-pin सॉकेट है नहीं। तो अब ये मेन फेस है हमारा, इस फेस को हम कहां जोड़े, तो देखिए हम जोड़ देते हैं ये जो हमारी 5-6 स्विच है ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 स्विच जो है ये इसी में हम किसी में जोड़ देते हैं। तो देखिए ये फेस के वायर को हमने स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया, यानी ये जो चारों स्विचे आपस में कनेक्ट है इनसे चलने वाले उपकरण सिर्फ लाइट से चलेंगे, ये इंडिकेटर भी सिर्फ लाइट से ही चलेगा और ये इन्वर्टर का जो हमारा व्हाइट कलर का तार है इसको हम इन दो स्विचों में जोड़ देते ताकि इन दो स्विचों से जो चलने वाले उपकरण है वो लाइट और इन्वर्टर दोनों से चल सके। तो इसको देखिए हम यहां पर जोड़ देते इन दो स्विचों के निचले पॉइंट में, यानी ये जो दो स्विचे आपस में कनेक्ट है। अब देखिए यहां पर हमने फेस को कंप्लीट जोड़ दिया, जो फेस का वायर था इन चार स्विचों में, जो इन्वर्टर वायर है उसमें लाइट और इन्वर्टर दोनों आती है, ऐसा नहीं कि उसमें लाइट नहीं आती, उसमें भी लाइट आती है और इन्वर्टर भी आता है, तो इन दोनों स्विचों में जोड़ दिया। और जब हम इस स्विच को आउट करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर में टच होगा तो यहां से सप्लाई आएगी रेगुलेटर के लिए और रेगुलेटर का ये जो दूसरा वायर है ये फैन में जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहां पर इसके अंदर ये सारे तार हैं, ये जो तारों हैं इन तारों को हमें चेक करना होगा कि कौन सा फैन का है, कौन सा हमारा किस बल्ब का है। तो पहले तो हम फैन वाले को चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहां से, देखिए इस तार को खींच लेते हैं इस तरह से, यहां पे इस तार को हम खींच लेते हैं, देखिए यहां पे ये वाला तार है हमारा और यहां पर टेप मारे, ये गट्ठी भी लगा हुआ है, ये जिसमें हमने गट्ठी पहले से लगा करके रखा हुआ है यही हमारा फैन का वायर है। तो इसको हमें कहां जोड़ना है, इसको जोड़ना है फैन के रेगुलेटर में, ये जो रोटरी स्विच है रेगुलेटर है जिससे हम फैन को कंट्रोल करते हैं, इसमें हमें इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब ये जो पॉइंट के वायर बचे हुए हैं, ये जो पॉइंट के वायर बचे हुए हैं देखिए इसके अंदर टोटल 4 है ना, ये चारों को हम क्या करें एक एक में इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए जैसे एक एक में जोड़ने का ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हम देखिए किसी एक में जोड़ते हैं, यहां पर एक स्विच में हमने इसको जोड़ा, यहां से देखिए एक स्विच में इसको जोड़ दिया, देखिए एक को एक में जोड़ दिया, दूसरे को दूसरे में जोड़ देते हैं। तो देखिए सभी पॉइंटों के यानी सभी उपकरणों में हमने ये जो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट वाला वायर था इसको हमने एक एक स्विचों में इसको जोड़ दिया है और सभी में हमने लाइट वाले को जोड़ा है। देखिए इन्वर्टर से हमने सिर्फ फैन का कनेक्शन किया हुआ है, बाकी सब कुछ लाइट रहने पर ही चलेगा। तो इस प्रकार से हम इस बोर्ड को भी जोड़ सकते हैं कंप्लीट, और इस बोर्ड को जोड़ने के बाद देखिए हमारे ये सारे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रल सभी में यहीं से पहुंचा हुआ है और सभी के लिए फेस अलग अलग से आया हुआ है। जैसे देखिए यहां पे न्यूट्रल फेस है ना, तो एक तार ये इस मेन जंक्शन से आया हुआ है, उसी तरह से सभी में न्यूट्रल यहीं से गया और सभी का फेस अलग अलग जाकर के वहां पे 5 तार निकला हुआ था। अब देखिए यहां से ये मेन तो गया ही है,
इसके अलावा यहां पर दो तार देखेंगे ये अलग से आए हुए हैं, ये देख सकते हैं दो तार, और ये दोनों तार जो है इन दोनों में कनेक्ट नहीं है। यहां नजदीक से दिखाइए एक बार, आइए यहां पर देखिए, ये दोनों 2.5 mm के हैं, ये मेन लीड अलग है और ये लीड अलग है। इसका ये मतलब हुआ इस रूम की जो वायरिंग थी इस बोर्ड की वो 1 MCB से है और ये जो वायर है ये दूसरे MCB से है। मतलब न्यूट्रल फेस ये सेपरेट यहां से जा रहा है आगे के लिए, क्योंकि इसमें हम कोई पावर बोर्ड लगाने वाले हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई AC वगैरह का पॉइंट लगाएंगे तो उसके लिए, यहां पर देखिए वहां से सीधे नीचे आया है और यहां पे आया, यहां से घुमा है। देखिए इसके अंदर तार दिखाते हैं आपको, यहां पर देखिए टोटल कितने वायर है, ये रेड है 2.5 mm का यानी फेस, ये इन्वर्टर का व्हाइट कलर, ग्रीन कलर बॉडी अर्थ और ये ब्लैक कलर न्यूट्रल। ये चारों तार तो हमेशा हर जगह जाएंगे ही जाएंगे साथ साथ। इसके अलावा यहां पर हमारा एक दूसरा बोर्ड लगाना है, तो इस बोर्ड को देखिए हम यहां से ले लेते हैं। और ये जो बोर्ड है देख सकते हैं, इस बोर्ड के अंदर हमने 2 5-pin socket लगा रखा है और 2 switch लगा रखा है। मतलब एक स्विच से एक सॉकेट को और दूसरी स्विच से दूसरी सॉकेट को कंट्रोल करना है, बंद करना है, ऑन ऑफ करना है, चालू बंद करना है। यहां पर देखिए ये मेन लीड आया, यहां पर एक ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ वाला, तो सबसे पहले एक एक तार को हम जोड़ते हुए चलते और समझते हुए भी चलेंगे। ग्रीन कलर बॉडी अर्थ का यहां पर है और देखिए यहां से ये दोनों अलग अलग है, देखिए एक तार यहां से आया और यहीं से और आगे के लिए भी गया है। ये जो ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ का वायर है यहां पर देखिए एक जोड़ बनाया गया है ना, तो इसको जोड़ दिया गया यहीं पर छील करके इसको जोड़ दिया गया, तो ये दो तार बन गए हैं। और दो तार बनाने में फायदा ये हुआ कि हम 5-pin सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ऊपर का मतलब समझते हैं ना, ये जो मोटा वाला पॉइंट है जिसको लोग फ्री समझते हैं, जिसको खराब समझते हैं, इसमें इन्वर्टर नहीं, इसमें बॉडी अर्थ की वायरिंग करनी होती है। तो इस तरह से देखिए हम बॉडी अर्थ की वायरिंग कर देंगे, एक में हमने जोड़ दिया और ये बॉडी अर्थ ये भी हमारा है तो इसको भी हमें जोड़ना है। तो यहां पर देखिए दूसरा भी बॉडी अर्थ, इसमें भी हम जोड़ देते हैं, तार को लगा लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ग्रीन कलर के वायर को दोनों 5-pin सॉकेटों के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब ये जो हमारा मेन है रेड वाला वायर, ये फेस, मेन फेस को हम स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। देखिए एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ रहे हैं, एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ रहे हैं हम अपने मेन फेस को। इससे क्या होगा कि अब ये स्विच के निचले पॉइंट में फेस पहुंचा और स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है हमने 5-pin सॉकेट में पहले से ही जोड़ रखा है, इसलिए कि अब ये बचा हुआ पॉइंट को एक एक पॉइंट में जोड़ना होता है। यही हमारा वायरिंग का नियम है। ग्रीन हमने बॉडी अर्थ को दिया, न्यूट्रल के वायर को उपकरणों में देना होता है यानी 5-pin सॉकेट में जो बचा हुआ पॉइंट है इसमें जोड़ना है, और फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में देना है। तो एक स्विच के निचले पॉइंट में हमने दे दिया। अब देखिए ये जो दूसरी स्विच के निचला पॉइंट है ना, अगर हम यही वाला तार यहां तक पहुंचा दें दूसरी स्विच तक, तो ये होगा कि दोनों लाइट से ही चलेंगे। लेकिन इसी सॉकेट में हम एक को लाइट और एक को इन्वर्टर से अगर बनाना चाहते हैं तो ये जो व्हाइट कलर वाला तार है इसी तार को हमें जोड़ना होगा। देखिए व्हाइट कलर वाला जो तार है ये स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ना होता है और ये जो व्हाइट कलर का तार है इसको हमें उस स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ना होता है जिस स्विच से चलने वाला उपकरण लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलता हो। तो यहां पर देखिए हमने जोड़ दिया और स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट उपकरण में जुड़ा है। नियम नंबर जो हमारा सबसे पहला है वो न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है। तो यहां पर देखिए न्यूट्रल के तार हमने दो ले लिया है तो एक ही, ये दोनों एक ही में यहीं से कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो हमें क्या करना है, तो न्यूट्रल के वायर को एक सॉकेट के एक पॉइंट में और दूसरा जो न्यूट्रल हमारे पास है उसको दूसरी सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। वैसे इस सॉकेट पर न्यूट्रल और लाइन लिखा भी होता है, एक पे लिखा होता है N और एक पे लिखा होता है L, तो जिसमें न्यूट्रल लिखा उसी में जोड़ना चाहिए। वैसे उल्टा जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली सीधा जोड़ना चाहिए, उल्टा जोड़ने से इन्वर्टर वायरिंग में दिक्कत होती है। देखिए यहां पर हमने सभी वायरों को जोड़ दिया, ये बोर्ड भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहां से देखिए उसी बोर्ड से वायर यहां पर आया हुआ है, देखिए यहां पर आया हुआ है। तो अभी क्या करना है, यहां पर हम एक बोर्ड लगाने वाले हैं और ये जो वायरिंग करेंगे इस प्रकार से इस बोर्ड की वायरिंग होगी कि इसके अंदर दो स्विच है, देखिए दोनों 2-way लगी हुई है। इस प्रकार से वायरिंग करनी है कि यहां पर बीच में एक टुल्लू पंप मोटर लगाना है और उस मोटर की वायरिंग ऐसी होगी कि ये चाहे तो ये चला सकता है, ये चाहे तो ये चला सकता है। लेकिन हाँ, जो चलाएगा, अगर कोई भी चलाए, जैसे ये स्विच को ऑन कर दिया, मोटर चालू हो गया, तो इंडिकेटर जो है वो दोनों का जलना चाहिए, इसलिए हमने इंडिकेटर लगा करके रखा है। यानी इस बोर्ड की वायरिंग हमें ऐसी करनी है, दो रूम से एक मोटर की वायरिंग, लेकिन संकेत के लिए इंडिकेटर दोनों का जलना चाहिए, इस प्रकार से वायरिंग करनी है। इसके अलावा यहां से देखिए मेन एक पाइप यहां पर भी आई हुई है, इस पाइप के द्वारा देखिए यहां से लाइट आउट होकर के यहां एक बोर्ड में गई हुई है। इस बोर्ड के अंदर ये न्यूट्रल का वायर है मेन, ये फेस का वायर है मेन, ये ग्रीन कलर बॉडी अर्थ,
व्हाइट वाला जो हमारा है देखिए इन्वर्टर का वायर है, और यहां के लिए जो हम बोर्ड लगाने वाले हैं देखिए ये वाला बोर्ड हमारा है, सबसे अधिक स्विचों वाला बोर्ड हमारे पास यही है। देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 स्विच लगाए हुए हम इस बोर्ड में, सिर्फ एक सॉकेट लगाए हैं और एक इंडिकेटर लगाए हैं। अब देखिए इस बोर्ड की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमने आधा काम इसमें भी कर लिया है। आधा काम का मतलब सभी स्विचों का निचला पॉइंट आपस में देखिए डायरेक्ट है, और यहां से एक तार के माध्यम से इधर कनेक्ट है, और फिर यहां से सभी स्विच एक में कनेक्ट है। और अगर ये जो फेस वाला वायर है किसी भी स्विच के एक पॉइंट में अगर हम जोड़ दें तो ये सभी में पहुंच जाएगा। किसी भी स्विच में हम जोड़ देते हैं, देखिए जैसे हम यहां पर अगर इस स्विच में इसको जोड़ दें तो देखिए एक स्विच में हमने ये फेस के वायर को जोड़ दिया तो ये हुआ कि ये सभी स्विचों के निचले पॉइंट में पहुंच गया। ये न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल इसके अंदर एक इंडिकेटर है और एक 5-पिन है। तो न्यूट्रल के वायर को देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं एक ही में जोड़ लेते हैं। आप भी ऐसे ही जोड़ लिया करिएगा, इस तरह से इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको लगा देते हैं इसी 5-पिन सॉकेट में। तो क्या हुआ, न्यूट्रल सॉकेट में भी पहुंच गया और इंडिकेटर में भी पहुंच गया। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल दोनों में पहुंच गया। अब इसके अलावा देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये इन्वर्टर की वायरिंग और बॉडी अर्थ का खाली है। इन्वर्टर तो खाली छोड़ देते हैं, बॉडी अर्थ को भी जोड़ देते हैं क्योंकि इस बोर्ड के अंदर हमारे 5-पिन सॉकेट है। तो 5-पिन सॉकेट अगर है तो बॉडी अर्थ जोड़ा जाएगा, तो यहां पर जोड़ देते हैं ये देखिए बॉडी अर्थ वाला वायर, और ये जो हमारा बोर्ड है ये भी क्लियर हो गया इसी प्रकार से कंप्लीट। देखिए इस बोर्ड के द्वारा हम कई जो स्विचे लगाए हैं, यहां पर लगाने वाले हैं अभी बल्ब, तो वो बल्ब अभी नहीं लगा हुआ है। एक एक स्विचों से एक एक बल्बों को करना है तो सारे बस बल्ब लग जाएंगे लाइन से और हम उसको कनेक्शन कर देंगे। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं एक ऐसे ये जो तिरछी वाली वायरिंग है ये हमारी श्रेणी कनेक्शन। श्रेणी कनेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें ऐसी वायरिंग करनी है कि जब हम छत पे चलना शुरू करें तो स्विच को ऑन करें ये बल्ब जलना चाहिए, और छत पे पहुंचे तो वहीं से इस बल्ब को बंद कर दें। मतलब यहां से चालू करेंगे बल्ब जलेगा, छत पे पहुंचेंगे बंद कर देंगे, या फिर छत पर से आ रहे हैं वहीं से चालू करेंगे और नीचे पहुंच के बंद कर देंगे। मतलब ये जो कनेक्शन है ये सीढ़ी कनेक्शन है। तो सीढ़ी कनेक्शन के लिए हमने ले लिया है ये बोर्ड, देखिए हमारे पास दो बोर्ड है, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, और ये जो बोर्ड है ये 2-way स्विच लगी हुई है इस बोर्ड के अंदर। देखिएगा ये 2-way स्विच है, मतलब तार जोड़ने के लिए इसके अंदर जो पॉइंट मिलते हैं वो टोटल 3 मिलते हैं। तो हमें करना क्या होगा, देखिए इसके अंदर सबसे पहले समझ लीजिएगा ये दोनों तो मेन हमारे हैं, मेन मतलब न्यूट्रल और फेस, और इसके अंदर देखिए ये ब्लैक कलर का वायर दिया हुआ है ना, और यहां पर भी देखिए ब्लैक कलर का वायर है, तो यहां पे क्या हुआ आधा दूर ब्लैक गया है आधा ब्लू गया है, और ये जो दोनों ऊपर से नीचे हुए हैं रेड हुए हैं। तो मतलब समझिएगा ये न्यूट्रल और फेस है, यहां पर देखिए न्यूट्रल वाले में भी रेड जोड़ दिया गया क्योंकि वायर की कमी हो गई होगी इसीलिए ऐसा किया गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेन दोनों तार है न्यूट्रल फेस जो आए हैं मेन वो भी और जो ऊपर जा रहे हैं वो भी, इसको क्या करना है एक ही में जोड़ देना। ये एक तार समझिए इसको हमने न्यूट्रल बना लिया, तो स्विच को ऊपर चाहे नीचे किसी भी तरफ इसको हमें जोड़ देना है। ये भी नहीं देखना है कि ऊपर जोड़ रहे हैं कि नीचे, बस किसी भी तरफ इसको हमें जोड़ देना है। और ये जो दूसरा वाला वायर बच रहा है, दूसरा वाला वायर, इसको भी हमें स्विच का जो ऊपर या नीचे जो भी बचता है उसी में ले जाकर के इसको भी हमें जोड़ देना है। तो यहां पर देखिए हम जोड़ करके इसको टाइट कर देते हैं स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस की मदद से, और देखिए इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया, दोनों तारों को जोड़ दिया। अब ये जो बीच वाला बचा हुआ है इसको कहां जोड़ना है, स्विच के बीच वाले पॉइंट में ही जोड़ना है। जो बीच वाला बचा हुआ है उसको कहां गया है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिएगा इसके अंदर जो न्यूट्रल फेस है, जो न्यूट्रल फेस है देखिए मेन आया हुआ है दोनों नीचे, मतलब मान लीजिए फेस आया ऊपर तो लेके चले गए ऊपर, फेस आया नीचे, न्यूट्रल आया नीचे तो लेके चले गए ऊपर, और वो दोनों तार देखिए इसके अंदर यहां पर देखिए, यहां से देखिए ये दोनों के दोनों तार यहां से जा रहे हैं और यहां तक आए हुए हैं, यानी जो ऊपर वाली स्विच है वहां तक, और जो ब्लैक वाला जिसको हमने बीच में जोड़ा है वो आ गया बल्ब तक। अब इसके अंदर हम दूसरी छत ऊपर वाली स्विच लगा लेते हैं, ये छत पे स्विच लगने वाली है, इसके अंदर भी टोटल 3 वायर है। तो ये जो दोनों रेड रेड है ये न्यूट्रल फेस है, तो इसको हमें क्या करना है, एक को ऊपर जोड़ देना है, एक को नीचे जोड़ देना है। किसी को नीचे किसी को ऊपर जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं वहां पर फेस को हमने ऊपर जोड़ा है तो यहां भी ऊपर जोड़ना होगा, या यहां पे न्यूट्रल नीचे जोड़ा है तो ऊपर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस न्यूट्रल फेस ऊपर नीचे होना चाहिए, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो जाए कोई बात नहीं है। अब ये बीच में जो ब्लू वाला वायर बचा है देखिए कहां से आया है, बल्ब का वायर आया है, और इसको हमें जोड़ना कहां है, इस स्विच के बीच वाले पॉइंट में इसको हमें जोड़ देना है। तो देखिए यहां से हम स्विच को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और इसके बीच वाले पॉइंट में इसको भी लगा करके हमने ब्लू वाले वायर को भी जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए हमने तीनों वायरों को तीनों पिनों पर जोड़ दिया, ब्लू वाले को बीच में जोड़ा, बाकी न्यूट्रल फेस ऊपर ऊपर जोड़ा है, और ये श्रेणी कनेक्शन भी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। श्रेणी कनेक्शन
सिलेक्शन और भी हमारे तरीके के होते हैं, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो देखिए सीढ़ी कनेक्शन वाला हमारा बोर्ड लग गया, इसके अंदर एक बोर्ड अभी और बाकी है। देखिए यहां पर हमने बनाया पावर बोर्ड, यहां पर हम इन्वर्टर लगा सकते हैं या कोई भी हार्ड चीज लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक पावर बोर्ड लगाया और ये जो पावर बोर्ड है देखिए 16 एंपियर का बोर्ड हमने लगाया और इसमें ये हुआ है कि यहां पर एक स्विच है और एक सॉकेट है 5 पिन और इसके अंदर जो तार आए हुए देख सकते हैं ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है और व्हाइट है। ये चारों वायर है जो हमारे न्यूट्रल, फेस, इन्वर्टर और अर्थ के हैं। तो अर्थ वाले वायर को सबसे पहले 5 पिन सॉकेट के जो हमारा ये 5 पिन सॉकेट है इसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देना। देखिए ये ऊपर वाला पॉइंट है जो हमारा बॉडी अर्थ के लिए होता है, तो इसमें हमें जोड़ देना है। सबसे पहले जो हमारा फेस का वायर है इस फेस के वायर को स्विच के निचले वाले पॉइंट में जोड़ देना है। तो यहां पर हमारी ये स्विच है और स्विच के निचले वाले पॉइंट के इस ग्रुप को हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं और इस निचले वाले पॉइंट में फेस के वायर को जोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए हम जोड़ देते हैं इसको, तो फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं और ये जो हमारा न्यूट्रल वाला तार है इस न्यूट्रल वाले वायर को 5 पिन सॉकेट का जो एक बचा हुआ पॉइंट अभी न्यूट्रल वाला है इसमें जोड़ देते हैं और स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट जो उपकरणों में दिया जाता है वो तो इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। देखिए ये स्विच का एक पॉइंट यहां उपकरण में हमने जोड़ दिया है, ये इन्वर्टर वाला तार इसमें भी हमने खाली छोड़ दिया है और ये वायरिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब देखिए ये बोर्ड की वायरिंग पूरा फाइनल कंप्लीट हो गई। चलिए इस बोर्ड को हम एक बार चालू करके दिखाते हैं। चालू करने के लिए सबसे पहले हम इसको बीच में कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और इसके अलावा यहां पर देखेंगे हमने यहां पर, तो देखिए यहां पर हमने बोर्ड के अंदर मेन पावर को लाइट दे दिया है मेन बोर्ड में और स्विच को ऑन करते हैं और एक चीज और देखिए कि लाइट और जनरेटर दोनों को हमने इसी में दे दिया है। यहां से हमारी मेन सप्लाई इन हो रही है, देखिए लाइट का भी इंडिकेटर जल रहा है हमारा और जनरेटर वाला इंडिकेटर भी जल रहा है। यहां पर मेन मीटर में भी लाइट आ गई है और एमसीबी को अगर हम बीच में कर दें तो इस समय कोई भी सप्लाई अंदर नहीं जा रही किसी भी बोर्ड के अंदर। अगर इसको हम नीचे करते हैं तो इस समय जो सप्लाई इसके अंदर जाएगी वो जनरेटर की जाएगी, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो लाइट की सप्लाई जाएगी। तो देखिए इस समय हमने ऊपर कर दिया लाइट की सप्लाई की तरफ से और यहां से अब हम स्विच को ये मेन एमसीबी को भी ऑन कर देते हैं। यहां से ऑन करेंगे तो देखिए बाकियों तक लाइट बोर्ड के अंदर कुछ जगहों पर पहुंच गई। अब इस बोर्ड के अंदर जो स्विचे हैं उनको हम अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन करेंगे। देखिए पहले सबसे सभी स्विचों को हमने सबसे पहले बंद कर लिया और यहां पर देखिए एक बोर्ड का ये इस बोर्ड का देखेंगे इंडिकेटर जल रहा है और ये जो हमारा ये वाला बोर्ड है इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इस बोर्ड का जो इंडिकेटर है हमने एक स्विच से कर रखा है। स्विच को देखिए यहां से ऑन करते हैं तो ये इसके अंदर इंडिकेटर जल रहा है। अब इससे क्या होगा, स्विच को ऑन किया तो सप्लाई यहां तक आई और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो बेल स्पीकर इसके अंदर बज रहा है जो घर के अंदर घंटी बजने वाली उसको, तो उसी की वायरिंग हमने एक घंटी के द्वारा किया है यानी एक सेफ्टी स्विच के द्वारा वायरिंग किया है ताकि अगर हम उस स्विच को बंद कर दें तो ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी स्विचों से हमने अलग अलग बल्बों की वायरिंग कर रखी है, इस तरह से देखिए अलग अलग बल्बों की हमने वायरिंग कर रखी है, इन स्विचों से जलते हैं। इसके अलावा यहां पर एक 16 एंपियर का बोर्ड भी है। एक चीज और बताएं, इस बोर्ड के अंदर देखिए अभी ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है और कुछ चीजें हैं जो नहीं चल रही। इसका ये कारण है कि इस बोर्ड में इन्वर्टर की वायरिंग की गई है और इन्वर्टर का कनेक्शन अभी इसमें इन्वर्टर लगा नहीं है। इसके लिए अगर जब तक नहीं लगा है और हम चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो इन्वर्टर का तार है व्हाइट कलर वाला कहीं से भी पूरी वायरिंग में कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि नहीं इसी बोर्ड में, कहीं से भी इसको हमें फेस की सप्लाई डायरेक्ट जोड़नी होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर दाहिने साइड में हमारे फेस होता है तो इसको हम क्या करते हैं इसी को फेस में लगा देते हैं ताकि फेस सभी जगह पर डायरेक्ट पहुंच जाए। तो यहां से देखिए हमारे इस मेन बोर्ड में भी लाइट पहुंच रही है, ये वाला जो बोर्ड है इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है इसके अंदर इंडिकेटर जल रहा है और सभी स्विचे अभी बंद है, अच्छा चालू है, सभी स्विचे चालू है। अगर इसको हम बंद करें तो देख सकते हैं ये सारे बल्ब बंद हो गए। यहां से हमने स्विच को ऑन किया बल्ब जला, स्विच को ऑन किया बल्ब जला, यहां पे भी जला, यहां पे भी जला, यहां से जला, देखिए ये फैन भी हमारा चालू हो गया जबकि फैन हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन है फिर भी फैन हमारा चालू हो गया क्योंकि यहां से हमने इन्वर्टर के तार में फेस की सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ दिया है। ये सारे बल्ब हमारे चालू हो गए। यहां पर देखिए हमने एक सीढ़ी कनेक्शन कर रखा है, ये जो सीढ़ी कनेक्शन है देखिए एक बोर्ड यहां पर भी है, इस बोर्ड का भी देखिए इंडिकेटर चालू है मतलब लाइट आ रही है और उसके अलावा यहां पर देखिए सीढ़ी कनेक्शन है, स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, छत पे पहुंचेंगे बल्ब को बंद
बंद कर सकते हैं, या फिर छत से आ रहे हैं स्विच को ऑन किया बल्ब जलेगा और नीचे आकर के बल्ब को बंद कर सकते हैं, या फिर अगर हम नीचे नहीं आए ऊपर फिर नहीं गए कोई आ रहा है तो फिर से हम स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जलेगा और यहां से हम बंद कर सकते हैं। मतलब कहीं से चालू करिए कहीं से बंद करिए कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इस बोर्ड की वायरिंग से रिलेटेड देखिए एक चीज और बता दे, इसके अंदर हमने वायरलेस बेल भी लगा रखा है, यानी ये वायरलेस है और वायरलेस के अभी देखिए बैटरी काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी बैटरी खत्म हो गई है। वायरलेस स्पीकर का मतलब ये होता है इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं करना होता है, सिर्फ बिना तारों के होता है। बाकी देखिए तीन बेल स्विच हमने यहां पे लगा रखी है, इसके लिए हम लगाने वाले अलग अलग स्पीकर और वो भी डीसी। तो बेल हॉर्न आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग डीसी प्रयोग कर रहे हैं जो कि सेल यानी बैटरी से काम करता है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी वायरिंग काम करती है। इस वायरिंग से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आप क्या वीडियो चाहते हैं उसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।